गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामी नारायण। हिंदी में आज हम स्वर और व्यंजन का पठन करेंगे और उसे लिखेंगे। पहले हम स्वर का पठन करेंगे। स्वर अ से अह, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, ऋषे ऋषि, ऐसे ऐडी, ऐसे ऐनक, ओसे ओखली, और से औरत, अंग से अंगूर, अह, अ आ, इ ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। अब हम व्यंजन का पठन करेंगे। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अं, च से चम्मच, छ से छतरी, ज से जलेबी, य से झंडा, यहाँ, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ड से ढक्कन, क, ख, ग, ग, अं, च, छ, ज, ज, यह, ट, ठ, ड, ड। अब हम नोटबुक में लिखेंगे। ना, ना से बाम, इसे इस तरह आपको लिखना है। ये है ना, ना से बाम। थोड़ी जगह रख के फिर से लिखना है। ये है ना, ना से बा। ऐसे आपको पूरे पेज में लिखना है। अब हम लिखेंगे व्यंजन क से ना। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, ग से घर, अं, एक लाइन छोड़कर, जैसे चम्मच, छह से छतरी, जैसे जलेबी, जैसे झंडा, यह ट से टमाटर, ट से ठठेरा, ड से डमरू, ड से ढक्कन, हणा से बा। क, ख, ग, ग, अं, च, छ, ज, ज, यं, ट, ठ, ड, ड, ण। ऐसे आपको व्यंजन क से ण
लिखना है।